नमस्कार किसान भाइयों, जय किसान चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कृषि दर्शन कृषि यंत्र द्वारा निर्मित एक ऐसी मशीन के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो आज तक टोकरी मॉडल में आपने कहीं नहीं देखी होगी। इसकी एक एक विशेषताओं को जानने के लिए आप इस चैनल को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नमस्कार जी, इस मशीन के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइएगा जी, जो मॉडल है इसका क्या नाम है और क्या विशेषताएं हैं। जी, जय किसान चैनल का मैं स्वागत करता हूं। जी जी जी, कि आप हमारे बड़नगर जिला उज्जैन स्थित जी जी कृषि यंत्र का में निर्मित कृषि दर्शन थ्रेशर जी 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 का आप अवलोकन करने आए हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल सर, योगेश जी भाई साहब और राजेश जी भाई साहब, टोकरी मॉडल तो बहुत सारे देखे हैं लेकिन ये इसमें कुछ खास विशेषताएं हमको नजर आई, वो हम जानना चाहते हैं आपसे। जी, ये थ्रेशर एक प्रकार का हॉपर थ्रेशर जो पहले आते थे उसी को हमने कुछ चेंज करके इसको एक ऑटो फीडिंग के नाम से ऑटो फीडिंग साइड टोकरी मॉडल थ्रेशर का निर्माण किया है। जी जी जी, इस थ्रेशर की विशेषता ये है कि विगत वर्षों से कुछ किसानों को परेशानी आ रही थी और वो एक ऐसी जड़ तो परेशानी है जो पूरे भारत में आ गई है। हाँ हाँ, जिसको कहते हैं अपन लेबर, लेबर की समस्या। तो लेबर की समस्या निजात पाने के लिए हमने इस मशीन में इसमें टोकरी, जिसको साइड टोकरी मॉडल भी कहते हैं हम लोग, हाँ हाँ, इसका हमने निर्माण किया है। हाँ हाँ, इसके अंदर सर पहले इसकी स्पीड के बारे में बताइए, इसमें 2-3 स्पीड की पुल्ली लगाई हुई है तो इसके बारे में बताइए। जी, ये ट्रैक्टर से कनेक्ट हो के पीटीओ शाफ्ट से, यहाँ भी हमने नीचे दो पुलियाँ दी है जो कि अलग अलग फसलों के लिए बेल्ट अपन चेंज कर सकते हैं, है ना। इसके बाद अपन ऊपर आ जाते हैं, ऊपर हमने यहाँ पे डबल स्पीड इसका टोकरी को सिस्टम माल अंदर गाला ले जाने के लिए डबल स्पीड की व्यवस्था की है जो हम हैंडल से इसको चेंज करके इसमें आरपीएम चेंज कर सकते हैं। जी जी जी। और इसमें ये जो क्लच दिया है, हाँ, ये क्लच से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और रोक सकते हैं, ताकि अगर टोकरी में कुछ परेशानी आ गई या फसल रुक जाए तो इसको रोक सकते हैं। सर, अदर्श थ्रेसर में हमने देखा है कि ये बेल्ट से ऑपरेटेड होती है जी, और कई बार बेल्ट स्लिप भी हो जाते हैं, टूट भी जाते हैं, लेकिन आपने इसमें चेन लगाया हुआ है। जी जी, ये एक खास इसका अपन खास चीज कहें इसको, चेन को जो ये हमने किसी दूसरे थ्रेसर में नहीं देखी है। जी, चेन लगाने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो फसल आती है वो सबसे पहले पूरी गठड़ी बनी हुई होती है। तो वो जब गठड़ी इसके अंदर जाती है तो वो इसको जो ये वर्म बोलते हैं इसको हम, ये वर्म को रोक देती है और रोकने से इसमें बेल्ट्स होते हैं वो स्लिप हो जाते हैं। फिर भी हमने इसमें यहाँ पे बेल्ट की जगह इसमें चेन लगा दी है, इससे अधिक अगर कहीं जाके रुकेगा तो फिर वहाँ बेल्ट स्लिप है, स्लिप होगा जरूर पर बहुत समय बाद। जी, इसलिए हमने बोला। इसमें भी आपने बढ़िया क्वालिटी की चेन और जो कटर सिस्टम दिए हुए हैं जी, इसके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताइएगा। जी, ये जो राजेश जी भाई साहब इसमें जो सिस्टम दे रखा है, हाँ, ये डुप्लेक्स चेन का सिस्टम इसमें दे रखा है हमने, हाँ, तीन जगह पे, हाँ, ताकि ये जितनी भी लंबी फसल हो, हाँ, उसको अलग अलग तरीके से इसको अंदर खींचने में सहायता करेगा। हाँ, और जैसे यहाँ फसल रुक गई है, यहाँ रुक गई है, तो ये एक ही चीज खराब होगी, पूरा एक साथ चेन सिस्टम डिस्टर्ब नहीं हो, कोई कारण से अंदर पत्थर चला गया या कोई विशेष कोई चीज चली गई है वो रुक जाती है और एक ही चीज ब्रेक डाउन। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसकी हमने एक विशेष प्रकार की टोकरी भी देखी है तो इसके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ये विशेष प्रकार की कैसे है। जी, टोकरी किसी मशीन में लगने के बाद उसमें क्योंकि हमने इसको टोकरी को साइड में लगाया है, हाँ हाँ, तो साइड में लगने से थोड़ी सी मशीन की चौड़ाई बढ़ गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब इसको हम काम करते हैं तब तो इस टोकरी को हम यही लगा के रखते हैं, हाँ हाँ, और इसकी हाइट भी हमने मेंटेन की है, हाँ हाँ, ताकि एकदम कोई अंदर न जा सके, कोई दुर्घटना ना हो। जी, कोई दुर्घटना ना हो सके। इस टोकरी को हम लोग इसमें व्यवस्था है, इस टोकरी को उठा के हम इसको पूरी ऊपर कर देते हैं, मतलब यहाँ से वहाँ ले जाना है तो पूरी टोकरी को पलटाने की आवश्यकता नहीं, नहीं है। ना तो आपको बेल्ट उतारना है ना चेन उतारना है। अदर थ्रेसर में क्या है कि आपको बेल्ट उतारना पड़ेगी और जब चेन उतार बेल्ट उतारना पड़ेगी जब आपकी टोकरी ऊपर होगी, और जब इसको ऑपरेट करेंगे तो उसमें बेल्ट चढ़ाना पड़ेगी, इसमें समय और श्रम दोनों बर्बाद होते हैं। टोकरी को ऊपर करके हम इसको लॉक कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, एक बहुत बढ़िया सिस्टम दिया हुआ, आगे और बात करें ये इसका क्या उपयोग है सर।
हाँ, ये जो मूलतः जो चलने के अंदर जो जिसमें दाना और कचरा फसल सारी साथ में होती है, हाँ हाँ। उसको बाद में टोकरी में निकालने में समस्या होती है, हाँ हाँ। उसको निकालने के लिए हमने इसमें ये इसका नाम दिया है ग्रेडिंग सिस्टम। जी जी। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम में आप घमेले में कचरे सहित इसको फसल अंदर डाल दें जी जी। तो दाना और कचरा दोनों अलग अलग होकर साबुत फसल हमको मिल जाएगी। फिर इसकी एक विशेषता ये है कि अगर आपके पास घर में कोई अनाज रखा है पुराना, साल दो साल तीन साल पुराना, हाँ हाँ। उसको आपको हाथ के चलने से सफाई वगैरह करना है, हाँ। वो करने की आपको आवश्यकता नहीं है जी जी। आप इसमें ये बेल्ट हवा के ज़्यादा आरपीएम पे चढ़ा के, हाँ। इसके अंदर ग्रेडिंग सिस्टम अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं, हाँ। इसमें सारी फसलों की ग्रेडिंग कर सकते हैं। सर ये काफ़ी यूनिक मशीन है, काफ़ी बड़ी मशीन है, इसको अपन कितने एचपी के ट्रैक्टर से ऑपरेट करेंगे? ये इसको हम 45 एचपी ऑटो फीडर सिस्टम बोलते हैं जी जी। ये दो मॉडल में उपलब्ध होती है, हाँ हाँ। 35 एचपी और 45 एचपी। तो 35 एचपी का जो हमारा मॉडल आता है, हाँ हाँ। उस पे आप मिनिमम, हाँ। 30 एचपी से लेके 45 के ट्रैक्टर तक चला सकते सर, हैं। वो 30 एचपी का जो ट्रैक्टर चलाएंगे उसकी जो टोकरी है सेम रहेगी कि छोटी बड़ी रहेगी? पूरा मशीन का मॉडल सेम है, हाँ। उसका ड्रम साइज, फ्लोर साइज और जो चलना साइज जो हमको लगता है वो उसमें कम किया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसके बाद जो 45 एचपी का हमारा मशीन है, ये आप 45 से ऊपर 50, 60, 55 कोई भी ट्रैक्टर चला सकते हैं। सर इसमें काफ़ी मैंने ये सुरक्षा के इंतजाम भी दिए हैं और इसमें काफ़ी मजबूत जो अपन बेयरिंग कहें अच्छी क्वालिटी के लगाए हुए, तो ये किस कंपनी के लगाए हुए हैं? जी मैं राजेश जी भाई साहब आपको बता दूं जी जी। कि ये जो डॉलर स्पेशल सिस्टम बोलते हैं इसको, हाँ हाँ। इसमें अंदर हमें कपलिंग लगाते हैं, हाँ हाँ। और कपलिंग में तीन प्रकार की आरपीएम की व्यवस्था की गई है जी जी। जिससे हम पंखे की हवा कम, हाँ। या अधिक कर सकते हैं, हाँ हाँ। अगर कुछ हल्के अनाज हो उसके लिए हम हवा कम कर सकते हैं ब्लोअर की बेल्ट के द्वारा, और जैसे डॉलर चना हो गया, लाल तुअर हो गई, उसके लिए हम हवा बढ़ा सकते हैं, उसका इसमें व्यवस्था हमने पूरी दी है। बात कहें भाई साहब यहाँ पे आई हैं, तो ये हमने इसमें सिस्टम जो यूसी सिस्टम होता है जिसको यूसीपी बैरिंग्स कहा जाता है, उनको कुछ मशीन में कुछ हद तक हमने कम किया है जी जी जी। क्योंकि उसका एक कारण तो ये है कि हमको चाइना का विरोध करना है, क्योंकि चाइना ही इसका मूल उत्पादक है जी जी। जो यूसीपी बैरिंग्स आते हैं, हाँ हाँ। हमने उसकी जगह अपना इंडिया का बना हुआ पेडिस्टल लिया है, हाँ हाँ। और इस पेडिस्टल के अंदर बैरिंग डाला है, हाँ हाँ। जो कि एनबीसी, एआरबी, एसकेएफ या अन्य ब्रांडेड कंपनी का ही हम डालते हैं जी जी। और इसके अंदर पूरा काफ़ी ग्रीस भरा हुआ आता है जिससे बैरिंग की लाइफ ज़्यादा रहती है सर। और हमने ये हवा का कम ज़्यादा सिस्टम तो देख लिया, जो वहाँ से कंट्रोल नहीं होता उसके लिए ये सिस्टम दिया हुआ है क्या? जी इसके ये फिल्टर बोलते हैं हम इसको, हाँ हाँ। ये फिल्टर से आप कुछ जो लास्ट में पूरा ग्रेड माल साफ होने के बाद भी कुछ, हाँ। कांठली या कचरा या किसी प्रकार का वो रह जाता है, हाँ। वो ये फिल्टर वापस ऊपर उठा लेता है, लास्ट में आके साफ हो जाता है, हाँ। और एक ग्रेडिंग सिस्टम हमने इसमें दिया है, हाँ हाँ। यहाँ पे जी जी। तो ये ग्रेडिंग सिस्टम से ये अनाज आपका बारीक दाना इधर निकल जाएगा, चूरा डस्ट इधर निकल जाएगा, और बड़ा दाना आपका इधर निकल जाएगा। ये जाली सर आपका जो थ्रेसर है और जो जितने भी प्रकार के प्रोडक्ट हैं उसमें जो पॉलिश की जाती है, एक विशेष प्रकार की पॉलिश दिख रही है, उसके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताइएगा जी। कलर की जो बात करें जी, तो हम इसको काफ़ी मशीन तैयार होने के बाद में पूरा इसको सफाई होता है, हाँ हाँ। रेजमाल्स वगैरह से, हाँ हाँ। साफ करके सरफेस को हम पहले उस पर प्राइमर लगाते हैं जी, जी, जी। प्राइमर लगाने के बाद उसके ऊपर पेंट होता है, हाँ हाँ। पेंट होने के बाद फिर टचिंग होती है, हाँ हाँ। और हम मैक्सिमम इस पर बर्जर कंपनी का, जो कि ब्रांडेड कंपनी है, बर्जर कंपनी का, हाँ। कलर इसमें हम यूज़ करते हैं ताकि उसकी सर्विस और चमक जी, जी, बरसों तक रहती है। लग्जोल क्वालिटी हम यूज़ करते हैं बर्जर की। एक यहाँ भी स्टैंड दिया हुआ है, इसका हमारे किसान भाइयों को यूज़ बताइएगा जी। ये इसका यूज़ स्टैंड का ये है कि यहाँ पे चढ़कर हम इसकी जो ड्रम की जो जाली होती है, हाँ हाँ। जो कि अलग अलग फसलों के लिए होती है, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना, सोयाबीन, गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, हाँ की ड्रम जाली अलग होती है, हाँ ग्रिल, हाँ। वो ग्रिल चेंज करने के लिए हम यहाँ ये चारों बोल्ट खोल के, हाँ। किसान भाई यहाँ चढ़ के इसको ऊँचा उठा देंगे, हाँ हाँ। और इसमें से जाली चेंज कर सकते हैं।
सर, इसमें कटर लगा हुआ है कि बोल्ट लगे हुए हैं? इसमें कटर और बोल्ट दोनों मिक्स दोनों हैं, का कॉम्बिनेशन मिक्स है बिल्कुल। सर, आपने इस टोकरी मॉडल में मॉडल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी और आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके बारे में हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छे से समझाया। हमको विश्वास है कि हमारे किसान भाई इन चीज़ों का लाभ लेंगे और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे जो कृषि दर्शन जो कृषि यंत्र निर्माता उनकी वीडियो चल रही हैं उनमें उनके नंबर्स जो मोबाइल्स नंबर्स हैं उनकी पट्टी पर उनके नंबर्स चल रहे हैं, तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।